हाउ टू एक्सपोर्ट कोकोनट ड्रूम फ्रॉम इंडिया, इंडिया से हम कोकोनट ड्रूम को कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कौन खरीद रहा है, कितना खरीद रहा है, जो सीख वाली झाड़ होती है जिसे आप यहाँ भी देख सकते हैं, पूरा डिटेल स्टडी आपके लिए लेके हैं। बस आपको एक ही काम करना, वीडियो को देखना लास्ट तक विदाउट स्किप किए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजीव सैनी, इंटरेस्ट बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे इसका ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है, जो ये ब्रूम रहता है, कोकोनट ब्रूम, जिसको सीख वाली झाड़ू बोला जाता है, अगर हम डिमांड की बात कर लेते हैं, कौन कौन वो टॉप 5 इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका डिमांड है, इसका सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है सीख वाली झाड़ू, कोकोनट ब्रूम जिसको बोला जाता है। तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो हमेशा राजा की तरह इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट भी करता है। तो यूएसए कितना इंपोर्ट करा है, यूएसए यहाँ पे 2.02 बिलियन US डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है ब्रूम का। कौन से ब्रूम का? कोकोनट ब्रूम का, यानी सीख वाली झाड़ू का, कोकोनट ब्रूम का यूएसए 2.02 बिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है। सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर पे जर्मनी आता है, जर्मनी भी यहाँ पीछे नहीं है, जर्मनी 1.06 बिलियन US डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है कोकोनट ब्रूम का। अगर थर्ड नंबर की बात करें कि थर्ड नंबर पे कौन सी कंट्री आती है, थर्ड नंबर पे आता है यूनाइटेड किंगडम, यूके। यूनाइटेड किंगडम भी यहाँ पीछे नहीं है, यूनाइटेड किंगडम यूके 529 मिलियन US डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है कोकोनट ब्रूम का। अगर मैं फोर्थ नंबर की बात करूं तो फोर्थ नंबर भी यूरोपियन यूनियन का ही मेंबर है, फ्रांस। फ्रांस कितना इंपोर्ट कर रहा है, फ्रांस यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा है 493 मिलियन US डॉलर का कोकोनट ब्रूम इंपोर्ट कर रहा है पर ईयर। अगर मैं फिफ्थ नंबर की बात करूं तो फिफ्थ नंबर पे यहाँ पे जापान आता है, जापान भी 443 मिलियन US डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है कोकोनट ब्रूम का। अगर मैं बात करूँ HS कोड की, उससे पहले बता, बेसिकली जो हमारा ट्रेनिंग होता है, ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको सिखाते हैं कि आप बायर कैसे फाइंड करते हैं, बायर को वेरीफाई कैसे करते हैं, कोई पार्टी फ्रॉड तो नहीं, उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, पेमेंट टर्म क्या होता है, इनकम टर्म क्या होता है, मेरे सेफ पेमेंट टर्म क्या है, कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है, अपना प्रॉफिट मार्जिन कैसे इंक्रीज करते हैं, पूरा डिटेल स्टडी आपको कराते हैं। आपको 100% ट्रेंड कराने की गारंटी रहती है, और ट्रेनिंग के बाद में आपके पास में हेल्प डेस्क सपोर्ट भी रहता है, जिसका आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ HS कोड की कौन से नंबर चैप्टर में आता है, सो बेसिकली ये 96 नंबर चैप्टर में आता है, 96, और इसका सब चैप्टर 03 होता है, तो इसका HS कोड बन जाता है 96, यानी 9603 1000, इसको इजीली आप रिसर्च भी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट बेनिफिट्स की, गवर्नमेंट भी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया से एक्सपोर्ट हो ब्रूम का, डिफरेंट ब्रूम का, स्पेशली कोकोनट ब्रूम का, तो कोकोनट ब्रूम का भी गवर्नमेंट चाहती है। तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है, गवर्नमेंट बेनिफिट में सबसे पहले पायदान पे आता है DBK, ड्यूटी ड्रॉबैक, जो कि कस्टम द्वारा आपको दिया जाता है। तो DBK आपको यहाँ पे कितना मिल रहा है, DBK आपको 1.30% मिल रहा है, 1.30% ऑफ योर कॉमर्शियल इनवॉइस वैल्यू, परफॉर्मा इनवॉइस नहीं, कॉमर्शियल इनवॉइस वैल्यू का 1.30% आपको मिल रहा है डायरेक्ट DBK, जो कि आपको कस्टम द्वारा दिया जाता है। अगर नेक्स्ट गवर्नमेंट बेनिफिट की बात करूं, IESK यानी इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, जैसे आप कहीं से अगर लोन लेते हैं तो गवर्नमेंट उसमें कुछ आपको छूट देती है, आपकी EPC एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आपको उसमें कुछ छूट देती है, तो अगर आप MSME में रजिस्टर्ड है तो आपको 3% का IES मिलता है, इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम। अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं तो आपको 2% का मिलता है। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन हमारे हिंदुस्तानी भाई बहनों से जो यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, तो आपको गवर्नमेंट का बेनिफिट लेने, गवर्नमेंट के आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लीजिए, और MSME में आप अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करा के रखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है MSME रजिस्ट्रेशन कराना, आप खुद से भी कर सकते हैं, वो हम अपनी ट्रेनिंग में भी सिखाते हैं कि कैसे आप खुद से अपना MSME में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सेम डे में MSME रजिस्ट्रेशन आपका आ जाता है। अगर मैं RODTP की बात करूं, यानी रोड टेप रिमेंस ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, जो रोड टेप है, ये रोड टेप को बेसिकली यहाँ पे रोड टेप आपको मिल रहा है 0.5% ऑफ योर FOB वैल्यू,
फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू, आपका जितना भी फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू है, आपका 5 लाख का है, 10 लाख का, 20 लाख का, जितना भी बड़ा आपका शिपमेंट है, उसका 0.5% FOB वैल्यू का 0.5% आपको डायरेक्ट RODDB मिल रहा है, रोड टेप, जो कि जनवरी 2021 से स्टार्ट हुई स्कीम। जनवरी 2021 में MEIS बंद हो गया था और उसके जगह पे रोड टेप चालू हुआ था बेसिकली। अगर मैं एक्सपोर्ट प्रोसेस की बात करूं कि एक्सपोर्ट का क्या प्रोसेस है, क्योंकि वीडियो का टॉपिक रहता है हाउ टू एक्सपोर्ट, तो हाउ टू एक्सपोर्ट में एक्सपोर्ट का प्रोसेस आता है। तो एक्सपोर्ट प्रोसेस बेसिकली सबसे पहले आता है कि प्रोडक्ट सिलेक्शन करना। तो प्रोडक्ट तो हमारा सिलेक्ट हो चुका है, प्रोडक्ट है हमारा कोकोनट ग्रूम का, तो कोकोनट ग्रूम हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट कर लिया, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है डन, यानी प्रोडक्ट सिलेक्शन तो हमारा डन हो गया। सेकंड नंबर की बात करें तो फाइंड बायर आता है, बायर को आपको फाइंड करना रहता है। बायर को फाइंड करने के लिए आप वोल्जा का डाटा ले सकते हैं, www.volja.com, या आप गूगल पे भी सर्च करिए, वोल्जा से आप बात कीजिए। हम भी वोल्जा का सब्सक्रिप्शन लेके रखे हुए हैं, आप वोल्जा से बायर का डाटा ले सकते हैं। बायर फाइंड हो गया, बायर फाइंड होने के बाद में बायर को आपको वेरीफाई कराना है। किस तरीके से वेरीफाई करा सकते हैं, सेम प्रोसीजर रहता है, इंडियन एम्बेसी से वेरीफाई कर सकते हैं, DNB हो गया, ब्यूरो वेरिटास हो गया, या कोई भी प्राइवेट एजेंसी है उससे आप वेरीफाई करा सकते हैं, या फिर आप ECGC का जब कवर लगते हैं, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो वो हम वहाँ से भी आपका वेरीफिकेशन हो जाता है, क्योंकि जो फ्रॉड पार्टी रहती है उसको उसका नॉर्मली कवर देती ही नहीं है ECGC। तो आप ध्यान रखिए, ECGC का बिना कवर लिए आप एक्सपोर्ट मत कीजिए। अगर मैं बात करूँ कन्वेंस और बायर, आपको बायर को कन्वेंस करना है, बायर आपने फाइंड कर लिया, बायर को आपने वेरीफाई भी कर लिया, अब बायर आपसे खरीदेगा क्यों? तो अगर आपके पास में USP होगी, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज अच्छी होगी, आपकी स्किल्स अच्छी होगी, वो हम अपनी ट्रेनिंग में भी सिखाते हैं, तो आप वहाँ पे भी उसको ग्रैब कर सकते हैं। इट इज़ ए लर्नेबल स्किल, इट कैन बी लर्न, तो वो आप स्किल्स को अपनी इंप्रूव कीजिए, अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को, अपना बिहेवियर आप अच्छा कीजिए, कम्युनिकेशन आप अच्छी इंप्रूव कीजिए, और आप कन्विंस करने में आपको बायर को कन्विंस करने में आपको मदद मिलेगी। इससे आप पेमेंट लीजिए बायर से, 100% आप एडवांस पेमेंट ले सकते हैं, या 50% एडवांस ले सकते हैं, 50% का LC कर सकते हैं, या 30% एडवांस ले सकते हैं, 50% का LC ले सकते हैं, 20% और दूसरे मीडियम से ले सकते हैं, किसी तरीके भी जो 8-10 पेमेंट टर्म रहती है उस तरीके से आप पेमेंट ले सकते हैं। उसके बाद आपको EBRC करना है, इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, ये पूरा लास्ट प्रोसेस रहता है एक्सपोर्ट के प्रोसेस में, कि आपको BRC करना अनिवार्य है। 100% EBRC इलेक्ट्रॉनिक बैंक, पहले तो BRC होता था बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, अभी इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट होने लगा, जिसका चार्जेस लगभग 75 रुपीज़ से लेकर 1500 रुपये तक भी इसका लगता है, तो ये बैंक टू बैंक वेरी करता है। अगर मैं टॉप कंपिटिटर कंट्रीज़ की बात करूँ, यानी वो कौन कौन सी कंट्रीज जिसके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है, तो उसमें सबसे पहले टॉप 5 कंट्री की हम बात करेंगे। उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है चाइना। चाइना जबरदस्त क्वांटिटी में ब्रूम एक्सपोर्ट कर रहा है, कोकोनट ब्रूम का, यानी जो सीख वाली झाड़ू होती है कोकोनट ब्रूम का। चाइना कितना एक्सपोर्ट कर रहा है? चाइना 6.04 बिलियन US डॉलर का यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि मेरा काम आपको जेन्युइन नॉलेज देना, करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना कि यहाँ से कौन सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, और आपका प्रोडक्ट है तो वो किस मार्केट में अच्छा चल रहा है। सो चाइना यहाँ पे जबरदस्त क्वांटिटी में एक्सपोर्ट कर रहा है। सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर पे यूरोपियन यूनियन का मेंबर आता है जर्मनी। जर्मनी इसका इंपोर्ट भी करता है और एक्सपोर्ट भी करता है। तो जर्मनी कितना एक्सपोर्ट कर रहा है? जर्मनी कोकोनट ब्रूम का एक्सपोर्ट कर रहा है 1.32 बिलियन US डॉलर का जर्मनी एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर मैं थर्ड नंबर की बात करूँ, थर्ड नंबर पर कौन आता है? थर्ड नंबर पर USA आता है। USA लार्जेस्ट इम्पोर्टर भी है और थर्ड नंबर का एक्सपोर्टर भी है। USA कितना एक्सपोर्ट कर रहा है? USA 424 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर ब्रूम का एक्सपोर्ट कर रहा है, कोकोनट ब्रूम का, यानी सीक वाली झाड़ू का, कोकोनट ब्रूम का। अगर मैं बात करूँ फोर्थ नंबर की, तो फोर्थ नंबर पे आता है इटली, जो कि वो भी यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं। सो इटली कितना एक्सपोर्ट कर रहा है? इटली 290 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर एक्सपोर्ट कर रहा है ब्रूम का, कोकोनट ब्रूम का, सीक वाली झाड़ू का। अगर फिफ्थ नंबर की बात करूं, तो फिफ्थ नंबर पे टॉप फिफ्थ पे नीदरलैंड आता है, जो कि वो भी यूरोपियन यूनियन का ही मेंबर है। तो यूरोपियन यूनियन का मेंबर नीदरलैंड 280 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर एक्सपोर्ट कर रहा है ब्रूम, कोकोनट ब्रूम का।
थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद है जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए, हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि जॉब कर रहा बिजनेस में आना चाहता है, जॉब कर रहा डायरेक्ट इंटरेस्ट मार्केट में आना चाहता है, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी में अगर कुछ छूट गया, कुछ रह गया, कुछ आप उसमें एडिशनल वैल्यू एड करना चाहते हैं तो हम इंतजार करेंगे आपका कमेंट बॉक्स में। मैं आपके कमेंट्स बड़े चाहो से दिल की गहराइयों से रीड करता हूँ और उनको समझता हूँ और उनके रिप्लाई करने की भी कोशिश करता हूँ। तो आप हमें नेक्स्ट वीडियो का क्या टॉपिक रहेगा वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, और हमेशा की तरह से मुस्कुराइए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहती है। सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशंस। थैंक यू।